छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ओरछा मार्ग की जर्जर सड़क को लेकर ग्राम बड़गांव की जो सैकड़ों महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। सड़क की बदहाल होने से त्रस्त होकर गांव की महिलाओं ने नारायणपुर ओरछा मार्ग के बीच स्थित बड़गांव मुख्य सड़क में लकड़ी का जाम लगाकर उसे चक्का जाम कर दिया है। ये बता दें कि क्षेत्र की नागरिक लंबे समय से सड़क की समस्या से परेशान हैं और समय समय पर प्रदर्शन कर सड़क को बनाने की मांग भी करते आए हैं। वहीं इस बार महिलाओं का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक चक्का जाम अनवरत जारी रहेगा। ग्रामीणों का आक्रोश देखकर मौके पर निको कंपनी प्रबंधन और पुलिस फोर्स मौजूद थी। वहीं चक्का जाम होने की वजह से मुख्य मार्ग पर माइंस जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई है। ये होते बल रहे गुंडा खो ये रोड में कितना जाम आसे की उड़े से सड़क दखे दे ते जहाज में उड़े से और हम कितना धूल खाउन खाउनी था तपस्या करूं से ये वो और सड़क बना दे और रोड हो तो आए हम के नहीं तो हम गाड़ी जाग दे न हो। यहाँ रोड माइंस वाला ध्यान नहीं देते ना कोई सरकार ध्यान देता है। यहाँ मिट्टी को ला देते हैं पाट देते हैं पूरा धूल उड़ जाता है। पानी को डालते हैं चिखल हो जाता है। यहाँ गिट्टी पाटे तब गाड़ी चला हम लोग जब तक गिट्टी रोड अच्छा नहीं बनेगा तब तक हम गाड़ी को जाने नहीं देंगे। अगर गाड़ी चलाने चाहेंगे तो हम यहाँ सो देंगे। इसी खबर पर हमारे जिला ब्यूरो संतोष मजुमदार से हम फोन पर चर्चा करेंगे। संतोष, नारायणपुर ओरछा मार्ग की जो जर्जर सड़क को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है महिलाओं का अब क्या कहना है, कई घंटे बीत चुके हैं। जी मैं आपको बताना चाहूंगा पूरा जो मामला है नारायणपुर जिले के ओरछा और नारायणपुर के मध्य स्थित ग्राम बड़गांव का है जहाँ पे महिलाएं जो है उग्र हो चुकी है। महिलाओं का कहना है कि पिछले कई सालों से जो है माइंस की भारी वाहन चलने की वजह से जो है रास्ता जो है बदहाल हो चुका है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं इस वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है और महिलाएं जो है निको कंपनी प्रबंधन और प्रशासन से कई बार सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं लेकिन ना तो प्रशासन के कानों में जू रेंग रही है ना ही कंपनी के कानों में जू रेंग रही है। इस वजह से जो है महिलाएं आज जो है लामबंद हो गई है और मुख्य सड़क पर जो है पैर रखकर जो है चक्का जाम कर दिया है। जी हाँ संतोष, एक चीज ये बताओ कि जो अपना माइंस का जो काम है वहां से जो वहां भारी वाहन गुजरते हैं तो क्या माइंस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस सड़क को बनवाना है या प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? जी अगर बात करें तो माइंस प्रबंधन क्या है, जब भी यहाँ पे जनता उग्र होती है आंदोलन करती है तो माइंस प्रबंधन ये करती है कहती है कि जो है सालाना जो है वो जितना उनको रोड मेंटेनेंस के लिए पैसा देना होता है राशि देना होता है वो DFM फंड में जमा करती है। बावजूद इसके जो है प्रशासन जो है इस रोड मरम्मत को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। वहीं बात की जाए तो महिलाओं का कहना है कि ना तो यहाँ पे कलेक्टर प्रशासन के द्वारा कोई कारगर कदम उठाया जा रहा है ना ही यहाँ पे कोई मंत्री और जिम्मेदार आकर इन ग्रामीणों की सुध ले रहा है। जी संतोष, ये जो आपने कहा कि DMF फंड की जो बात उठ रही है तो क्या इससे नहीं लगता कि DMF फंड में कई बंदरबाट हो रहे हैं या जिला प्रशासन वहां आंख मूंद कर बैठी है? महिलाओं का जैसा कहना है आपने बताया कि वहां जनप्रतिनिधि पहुंचते नहीं है तो क्या सिर्फ चुनाव के समय ही वहां जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं और बाकी समय गांव वालों का ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? क्या कहना होगा? जी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा DFM फंड में निको प्रबंधन का कहना है कि सालाना DFM फंड में जो है करोड़ों रुपए जमा किया जाता है कंपनी के द्वारा। बावजूद इसके जो प्रशासन है वो निश्चित तौर पर इन पैसों का बंदर बात करती है और जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो नेता जो है चुनाव के समय यहाँ पे आकर वोट मांगने का काम करते हैं, वादे इरादे करते हैं। जब इनकी जनता की कोई समस्या आती है तो यहाँ तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचता है। बात की जाए तो पिछले जो सत्ता में काबिज थी कांग्रेस सरकार वो सड़क निर्माण का बात करती थी और वर्तमान जो सरकार है वो जीतने से पहले माननीय केदार कश्यप जी वन मंत्री हैं वर्तमान में, जीतने से पहले यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए थे। उनका कहना है कि सत्ता में आने के बाद 15 दिन के बाद इस रोड का निर्माण किया जाएगा लेकिन
अभी 8 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पे ना तो कोई नेता झांकने आता है, ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ लोगों की समस्या को देखने के लिए आता है। तो एक चीज ये बताओ कि इतने देर हो चुकी है, घंटों सड़क जाम हो चुका है, आपने जैसे बताया हमने जो देख रहे हैं कि लंबी कतारें यहाँ वाहनों की लगी हुई है, तो क्या जो निको कंपनी है या पुलिस प्रशासन है महिलाओं को समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं या महिलाएं और आगे क्या कह रही हैं? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, निको प्रबंधन और जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पिछले 4 घंटे से डटी हुई है, महिलाओं को समझाइश देने की बराबर कोशिश की जा रही है, लेकिन महिलाओं का कहना है जब तक कि यहाँ पे पक्की सड़क निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे जो है वो डटे रहेंगे, किसी प्रकार के वाहन को चलने के लिए नहीं देंगे। जी ठीक है संतोष, आप पूरे खबर पर बने रहें और बकायदा रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को अपडेट देते रहें। तो बढ़ते हैं हम अगले खबर की ओर।